नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करेंगे एक बढ़िया सा रूम हीटर का जो कि आता है उषा कंपनी की तरफ से। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो इसका जो मॉडल नंबर है वो है FH812T। तो ये बहुत ही हैंडी एक रूम हीटर आता है जहाँ पे अच्छा सा हैंडल आपको दिया जाता है जो कि इसे बहुत ही पोर्टेबल बनाता है। देखिए आप देख सकते हो इसमें कितना बढ़िया सा ये हैंडी वाला रूम हीटर है। इसको आप इजीली एक घर से दूसरे घर में लेके जा सकते हो। यहाँ पे देखिए आपको मिल जाता है एक स्टैंड जिससे कि आप एडजस्ट कर सकते हो कि जो गर्म हवा आपको चाहिए वो आपको कौन सी हाइट पे लेना है। अगर मैं जैसे इस स्टैंड को कर देता हूं बंद तो ये देखिए ये पैरेलल हो गया, स्ट्रेट आता है हवा। अगर आपको आप थोड़े बेड में बैठे हो या फिर कोई ऊंचे जगह में बैठे हो तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो ऐसे, और ये हो गया थोड़ा ऊंचा, तो इसमें आप इजीली हाइट एडजस्ट कर सकते हो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें जो कंट्रोल सिस्टम्स दिया गया है उसके बारे में। इसमें जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे दो फैन की ब्लेड्स आपको नजर आएंगी ध्यान से अगर देखोगे तो एक ट्विन ब्लेड सिस्टम आपको यहाँ पे मिल जाता है और एक थर्मोस्टैट कंट्रोलर भी आपको इसमें दिया जाता है। ये ऑपरेट करता है नॉर्मल जो घर के 230 वोल्ट है उस पर। और इसमें अगर मैं ऊपरी हिस्से दिखाऊं तो इसमें आपको मिल जाता है दो डायल बटन्स जैसे कि आप देख सकते हो इसमें। तो जो पहला वाला जो डायल बटन है इससे आप टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हो, मतलब सपोज आपने इस पर्टिकुलर टेम्परेचर में अगर इसको सेट किया तो जब भी आपका रूम टेम्परेचर उस पर्टिकुलर टेम्परेचर तक जाएगा तब ये हीटर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो ये दिया गया है सेफ्टी इशू के कारण, क्योंकि बहुत बार देखा गया है आप लोग सो जाते हो रूम हीटर चला के तो तब क्या होता है, नॉर्मली जो करंट है वो ज्यादा इसमें इनफ्लो हो जाता है और उसके कारण शॉर्ट सर्किटिंग होता है। तो ये वाला जो है ये आपको उससे प्रोटेक्शन देता है। तो अगर आपको चाहिए एक बहुत ही हाई टेम्परेचर तो आप इसे ऐसे एडजस्ट कर सकते हो, और लो टेम्परेचर के लिए ऐसे डायल घुमा के आप इजिली एडजस्ट कर सकते हो। अभी हम लोग देख लेते हैं दूसरे वाला जो डायल है वो कैसे ऑपरेट करता है। तो मान लीजिए आप थोड़ा गर्मी के सीजन में इसको इस्तेमाल करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ये जो ब्लू कलर का सिंबल है ये आता है अगर आपको ठंडा हवा चाहिए तो ये वाला जो है इस पे आपको रखना है जो डायल को। अगर आपको गर्म हवा चाहिए थोड़े हल्के स्पीड में तो ये वाला आपको यूज करना है, और अगर बहुत ही तेज स्पीड में गर्म हवा चाहिए आपके रूम को जल्दी से गर्म करने के लिए तो आपको यूज ये वाला करना होगा। मैं डिटेल्स में सारा चीज दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे आपको मिलता है एक रेड कलर का LED नोटिफिकेशन लाइट, तो रात को आप इजीली समझ सकते हो कि आपका रूम हीटर कहाँ पे है और उसको इजीली ऑपरेट भी कर सकते हो। दोस्तों अभी हम लोग इसको ऑपरेट करके आपको दिखाएंगे और देखते हैं ये कैसे ऑपरेट करता है। तो पहले मैं दिखा देता हूं, सपोज मैं मिड सेक्शन में टेम्परेचर को रखता हूं यहाँ पे, और इसमें मैं कर देता हूं कि मुझे ठंडा वाला हवा चाहिए। तो ये पॉइंटर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो इस पॉइंटर को मुझे यहां लाना है, तो मैंने कर दिया इसको ऑन। तो तुरंत देख सकते हो जो LED नोटिफिकेशन लाइट है वो आपका जल गया और मुझे यहाँ पे मिल रहा है ठंडी हवा। तो ये बहुत ही अच्छा रूम हीटर है, इसको आप गर्मी के सीजन में भी एज अ कूलर यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखिए मुझे मिल रहा है ठंडी हवा, और अगर ठंडी के सीजन में आपको यूज करना है हल्का सा आपको स्पीड से चाहिए गर्म हवा तो मैं इस वाले को फिर यहाँ पे चेंज करता हूँ डायल। तो ऐसे घुमा के मैं कर दिया इसको यहाँ पे, और अभी मुझे मिल रहा है गर्म हवा पर थोड़ा कम स्पीड में। फिर इसका जो टेम्परेचर एडजस्टमेंट मैं आराम से इसको कर सकता हूँ यहाँ पे एडजस्ट करके, और फिर अगर मुझे और भी तेज गर्म हवा चाहिए तो मैं फिर से इसको चेंज कर देता हूँ।
तो अभी बहुत स्पीड से गर्म हवा आ रहा है और ये बहुत ही जल्दी आपके रूम को गर्म कर देगा। तो बहुत ही सर्दियों में ये बहुत ही फायदेमंद है। तो यहाँ पे फिर से मैं कर देता हूं इसको ऑफ। चीज आप देख सकते हो यहाँ पे जो वायर्स दिया गया है ये कॉपर की बने हुए हैं। कॉपर का जो वायर्स होता है बहुत ही हाई टेम्परेचर ये सह सकता है। तो अगर आप बहुत ही ठंडे इलाके में रहते हो कि बहुत ठंड है, वहां पे भी आप इजीली हाई टेम्परेचर में इसको कंटिन्यूअसली बहुत टाइम तक चला सकते हो। और अगर जब ये कॉपर वायर अपने आप समझ जाता है कि ये टेम्परेचर में मुझे ट्रिप करना है, तो ये वाला जो डायल है उससे ये ऑटोमेटिक आप जो भी टेम्परेचर आप इसको देते हो तो इसका अगर मैक्सिमम पॉइंट में भी रखते हो तो भी ये ट्रिप कर जाता है। तो एक और चीज, इसका जो केबल कॉर्ड है ये कंप्लीट पीवीसी से बना हुआ है, तो किसी भी प्रकार की शॉर्ट सर्किटिंग या जो इलेक्ट्रिकल शॉक से ये आपको बचाता है। तो कुल मिला के ये बहुत ही अच्छा एक रूम हीटर है जो कि आप खरीद सकते हो। इसकी जो बेस्ट बाय लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रहूंगा, वहां पे जाके आप इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हो। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।